राफेल मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा लगातार किए जा रहे हमले के बाद नाराज भाजपाई सड़क पर उतरे, किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। अमेठी के नसीराबाद के भाजपा के सेक्टर प्रभारी अनिल के ऊपर हुआ जानलेवा हमला, हमले का कारण बना क्षेत्र के दबंग भूमाफिया के खिलाफ गवाही देना, अस्पताल में किया गया भर्ती, हालत नाजुक। रायबरेली में थानों के हाल खराब, नहीं मिल पा रहा है जनता को लाभ, पुलिस अधीक्षक से न्याय की आस लिए जुटी भारी भीड़, फरियादी लगा रहे हैं पुलिस कार्रवाई ना करने का आरोप। अमेठी के पश्चिम द्वारा में ड्राइवर को नींद आने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरा, ड्राइवर को आई गंभीर चोट। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर में छत की शटरिंग गिरी, 61 वर्षीय बुजुर्ग राम शुक्ला बुरी तरह हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती, चल रहा है इलाज। सुल्तानपुर में नगरपालिका की लापरवाही के चलते 2 महीने से बना हुआ पिंक शौचालय नहीं हो सका चालू, महिलाओं के लिए की गई थी ये व्यवस्था, अधिकारी अब सादे हैं चुप्पी। अमेठी के जायस में मोबाइल फोन की चोरी को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, कई के सिर फूटे, पुलिस ने की कार्रवाई, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले का व्यापक स्तर पर शुरू हुआ प्रचार, अमेठी के कई इलाकों में LED वैन से आम जनता को कुंभ की दी गई जानकारी। अमेठी में कल 1 दिवसीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का औचक दौरा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे हवाई निरीक्षण, जिले में अधिकारियों के साथ बैठक कर लेंगे विकास कार्यों का जायजा। सुल्तानपुर में दीवानी चौराहे पर बालिका इंटर कॉलेज के सामने एक व्यापारिक प्रतिष्ठान के द्वारा अश्लील होल्डिंग को लेकर NSUI के कार्यकर्ताओं में गुस्सा, आधा दर्जन कार्यकर्ताओं ने होल्डिंग फोड़ी। सुल्तानपुर के लक्ष्मणपुर के पास रेल पटरी टूटी, रेल प्रशासन के छूटे पसीने, आनन फानन में की गई मरम्मत, ट्रेन का संचालन किया गया शुरू। बाराबंकी में परिषदीय विद्यालय का बुरा हाल, हैदरगढ़ के सराय गोपी उच्च प्राथमिक विद्यालय में निर्धारित समय पर नहीं आते शिक्षक, बच्चे स्वयं ही कर लेते हैं प्रार्थना। बाराबंकी के कोटवा में मुंडन कराकर लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने जानवर आने से अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 40 लोग हुए घायल, 2 की मौके पर हुई मौत, कोहरा मचा। सुल्तानपुर में बाइक चोरों का आतंक, पर्यावरण पार्क से चोरी की गई बाइक, पीड़ित ने दर्ज करवाई पुलिस में शिकायत, नहीं हुई कोई कार्रवाई, चोरों के हौसले बुलंद। सच्चाई वही जो हम बताएं।